हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर जिले के गडरा रोड थाना क्षेत्र से एक युवक भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर पाकिस्तान चला गया है। संदिग्ध युवक बिहार निवासी बताया जा रहा है। पुलिस बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध युवक के बारे में जानकारी जुटाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि युवक मुनाबाव फॉरवर्ड सीमा चौकी से ताराबंदी कर पाकिस्तान चला गया है। जानकारी के मुताबिक 21 मई को जेसिंदर स्टेशन पर संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सुरक्षा एजेंसियों व पुलिस को सूचना दी। पुलिस आने की भनक लगते ही संदिग्ध युवक ग्रामीणों को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस बीएसएफ व सुरक्षा एजेंसियों ने 21 मई की रात्रि व 22 मई को सुबह भी सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन उस युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के साथ दो बार फ्लैग मीटिंग भी की, लेकिन पाक रेंजर्स ने युवक के पाकिस्तान आने की संभावना से इनकार किया है, लेकिन भारत में भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के मुताबिक युवक के तारबंदी पार कर पाकिस्तान जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। युवक मुनाबाव फॉरवर्ड सीमा चौकी से पार होने की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। बीएसएफ लगातार पाक रेंजर्स से फ्लैग मीटिंग कर जानकारी जुटा रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से लगातार युवक विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को धता बताकर ताराबंदी पार कर पाकिस्तान जा रहे हैं। गत साल सज्जन का पार निवासी गेमरा राम व जानपालिया निवासी शब्बीर अहमद भी तारबंदी पार कर पाकिस्तान जा चुके हैं, लेकिन बीएसएफ को भनक तक नहीं लगी। बहरहाल इस संदिग्ध युवक के बारे में पुलिस बीएसएफ एवं सुरक्षा एजेंसियां पड़ताल करने में जुटी हुई है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, इन्होंने ये कहा कि सूचना मिली है कि शायद कोई संदिग्ध युवक बॉर्डर क्रॉस किया हो मुनाबाव की फॉरवर्ड बीओपी से, पर उसकी तस्दीक नहीं हुई है। उसके बारे में अभी जांच कर रहे हैं, बीएसएफ के अधिकारियों से संपर्क में हैं। बीएसएफ के अधिकारियों ने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के साथ फ्लैग मीटिंग कर भी ली है, पर पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि नहीं करी है कि कोई उनकी सीमा में प्रवेश किया है। तो अभी जांच भी कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन भी देख रहे हैं, कोई सूचना आती है तो उसकी भी तस्दीक कर रहे हैं। तो अभी चीज़ें कंफर्म नहीं है कि वास्तविक क्रॉसिंग हुई है या नहीं हुई है। बीएसएफ की तरफ से सूचना मिली है, तो उस पर पुलिस अपनी तरफ से जो जाँच कर रही है वो कर ही रही है, और बीएसएफ के अधिकारी और बाकी अन्य एजेंसी भी इस पर जाँच कर रही है। अभी तक नहीं, अभी तक किसी की कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए हम एमपीआर भी देख रहे हैं और आसपास कोई किसी की शिकायत घूमने की या अन्य, कई बार आप फेसबुक या अन्य चीज़ों से दूसरे के संपर्क में आते हो तो फिर कोशिश करते हो कि क्रॉस कर जाओ, तो कभी कोई सी भी चीज़ क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। केवल एक अपुष्ट खबर आई है जिसके बारे में पुलिस अपनी जांच कर रही है, और हम निरंतर बीएसएफ के अधिकारियों से संपर्क में हैं। वो लोग भी, उनके भी सीनियर अधिकारी आके इसको तस्दीक कर रहे हैं। फ्लैग मीटिंग में फिलहाल पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ मना किया है कि किसी भी युवक या किसी भी व्यक्ति ने क्रॉस किया है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।